हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम हेल्दी और टेस्टी बर्फी की रेसिपी बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही सरल है और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप भुनी हुई मूंगफली के दाने, 1/4 कप मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, ये हम टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, 1/2 कप शुगर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, थोड़ा सा पिस्ता गार्निशिंग के लिए, 1 टेबल स्पून घी। सबसे पहले हम मूंगफली के दानों को एक मिक्सी जार में डालेंगे। अब हम इसे पीसेंगे। मूंगफली के दानों को पीसते समय हमें एक साथ मिक्सी नहीं चलाना है, नहीं तो इसमें से ऑयल रिलीज हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा मिक्सी चलाना है, फिर इसे एक बार मिक्स कर देना है, फिर से मिक्सी चलाना है। अब हम इसे फिर से पीसेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा मिक्सी चलाना है और इसे मिक्स करते जाना है। अब हम इसे फिर से पीसेंगे। हमें 3 से 4 बार इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पीसना है। तीन से चार बार मिक्स करते हुए इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। मूंगफली के दानों का पाउडर बनकर तैयार है और इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम बर्फी को जमाने के लिए एक थाली को घी से ग्रीस करके रख लेंगे। थाली को हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम गैस ऑन करके पैन में 1/2 कप पानी डालेंगे, 1/2 कप चीनी। अब चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। चीनी पूरी तरह से घुल गई है। अब हम चाशनी को 2 मिनट तक और पकाएंगे। चाशनी हमें एक तार की बनाना है। चाशनी को हमने 2 मिनट और पका लिया है। अब हम इसे चेक करेंगे। तो चाशनी को हम उंगली और अंगूठे के बीच में रखकर दबाकर देखेंगे तो चाशनी में से अभी तार नहीं आ रहा है। तो हम इसे 1 मिनट तक और पका लेते हैं। चाशनी को हमने 1 मिनट और पका लिया है। अब हम चाशनी को चेक करेंगे। तो हम चाशनी को उंगली और अंगूठे के बीच में रखकर देखेंगे तो चाशनी में से एक तार बन रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, 1 टेबल स्पून घी, इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दानों का पाउडर, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम हम अब लो रखेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि मिश्रण हमारा थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। मिश्रण को हमें लगातार चलाते रहना है। फिर आप देख सकते हैं कि मिश्रण हमारा गाढ़ा होने लगा है। तो अब हम इसे 1 मिनट और चला लेते हैं। मिश्रण को हमने 1 मिनट और अच्छे से चला लिया है और आप देख सकते हैं कि मिश्रण हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और मिश्रण को थाली में ट्रांसफर करेंगे। अब हम मिश्रण को थाली में अच्छे से प्लेट करेंगे। मिश्रण को आप किसी भी कटोरी या प्लेट की सहायता से भी फैला सकते हैं। अब हम इसमें पिस्ता डालेंगे और इसे भी अच्छे से दबाकर सेट कर देंगे। बर्फी को आप अपने हिसाब से पतला या मोटा रख सकते हैं।
बर्फी को हमने थाली में अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम बर्फी को आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसमें कट लगाएंगे। आधा घंटा बर्फी को हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, अब हम इसमें कट लगाएंगे। तो बर्फी में आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। बर्फी में हमने कट लगा लिए हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बर्फी को हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि बर्फी हमारी बिल्कुल परफेक्ट जमी है। इसी प्रकार से हम सारी बर्फी को थाली में से अलग कर लेंगे। लीजिए तैयार है मूंगफली की परफेक्ट बर्फी की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।